रूसी सरकार ने बुधवार को बताया कि यूक्रेन ने रात में रूस नियंत्रित क्रीमिया पर हवा और समुद्र से ड्रोन हमले किए। रूसी वायु रक्षा ने क्रीमिया के ऊपर 10 हवाई ड्रोन को रोका, मॉस्को ने बुधवार को कहा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि काला सागर नौसैनिक बेड़े ने, जो आंशिक रूप से प्रायद्वीप पर आधारित है, 4 यूक्रेनी जलजनित ड्रोन को नष्ट कर दिया, जिन्हें बिना चालक वाले सतह वाले वाहन यूएसवी के रूप में भी जाना जाता है, जो क्रीमिया प्रायद्वीप की ओर बढ़ रहे थे। फरवरी 2022 में जब से मॉस्को ने यूक्रेन पर अपना पूर्ण आक्रमण शुरू किया है, तब से कीव लगातार क्रीमिया के आसपास फैली रूसी संपत्तियों पर नजर बनाए हुए है, जिस पर क्रेमलिन का एक दशक से नियंत्रण है। यूक्रेन ने प्रायद्वीप को पुनः प्राप्त करने की कसम खाई है। न्यूज़वीक ने ईमेल के जरिए टिप्पणी के लिए यूक्रेनी सेना से संपर्क किया है। प्रायद्वीप से नियमित रूप से अपडेट साझा करने वाले एक स्थानीय टेलीग्राम चैनल ने गुरुवार को बताया कि स्थानीय निवासियों ने सेवस्तोपोल के पास 3 जोरदार विस्फोट सुने थे। प्रायद्वीप और सेवस्तोपोल शहर के रूस द्वारा नियुक्त गवर्नर ने बुधवार को सुबह कोई टिप्पणी नहीं की। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा का एक सैनिक 23 मई 2024 को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बीच कीव में एक समुद्री ड्रोन सी बेबी के बगल में खड़ा है। काला सागर बेड़ा आंशिक रूप से क्रीमिया में स्थित है। कीव के पास कोई बड़ी नौसेना या बड़े युद्धपोत नहीं है, लेकिन इसकी सेना, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने विभिन्न रूसी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ साथ हवाई और जल जनित ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। घातक वायरस यूक्रेन के लिए नया गंभीर खतरा लेकर आया है और परिंग घातक वायरस यूक्रेन के लिए नया गंभीर खतरा लेकर आया है। कीव की सैन्य खुफिया एजेंसी जीओआर अपने मेगुरा V5 नौसैनिक ड्रोन का उपयोग करती है, जबकि SBU सुरक्षा सेवा CBB USV का उपयोग करती है। यूक्रेन ने वायुसैन्य अड्डे, रसद केंद्र, तेल टर्मिनल और काला सागर बेड़े की नौसैनिक सुविधाएं स्थापित कर ली है, जिनमें दक्षिण पश्चिमी बंदरगाह शहर सेवस्तोपोल में एक बड़ा अड्डा भी शामिल है। हमलों ने रूस को सेवस्तोपोल से कुछ संपत्तियों को नोवोरोसियस्क में अपने मुख्य भूमि रूसी बेस पर स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया है, जो कि काला सागर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पूर्व की ओर है, जहां की आसानी से अपने नौसैनिक बेड़े को धमकी दे सकता है। यूक्रेन ने नोवोरोसियस्क को भी निशाना बनाया है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि रूस ने यूक्रेनी ड्रोन संचालकों को धोखा देने या फंसाने के लिए जहाजों, नकली हथियारों और झूठे छायाचित्रों का उपयोग करके अपने ठिकानों को हमलों से बचाने का प्रयास किया है। मॉस्को अनाउंस्ड अर्लियर दिस ईयर दैट इट वुड बीफ अप द प्रोटेक्शन अराउंड इट्स फ्लीट विद लार्ज कैलिबर मशीन गन्स टू शूट एट इनकमिंग नेवल ड्रोन्स बिफोर दे स्ट्राइक रशियन वेसल्स। Earlier this month, the Russian government said its first-person view FPV drone operators with the Black Sea Fleet were training to destroy uncrewed boats.